नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी टीवी में और मैं आपके साथ उमंग। कर्नाटक के हिजाब विवाद की आग धीरे धीरे फैल रही है। इसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी कूद गई हैं, तो वहीं पाकिस्तान में लड़कियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली मलाला भी मैदान में उतर गई हैं। लेकिन दोनों ने ही हिजाब पहनने का समर्थन किया है, जिसका जवाब भी इन दोनों को मिला है। प्रियंका और मलाला को मिले जवाब को जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक के हिजाब विवाद की गूंज यूपी से पाकिस्तान तक सुनाई पड़ने लगी है। लड़कियों के हिजाब पहनकर स्कूल जाने का समर्थन एक तरफ यूपी की कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में लड़कियों के अधिकारों के लिए लड़ने का ढोंग करने वाली मलाला यूसुफजई भी इस विवाद में कूद गई हैं। दोनों ने ही हिजाब को लड़कियों के अधिकार से जोड़ दिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, बिकनी हो, घूंघट हो, जीन्स या फिर हिजाब, या महिलाओं का अधिकार है कि वे क्या पहनना चाहती हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आगे लिखा, महिलाओं को यह अधिकार संविधान की ओर से दिया गया है, महिलाओं का उत्पीड़न बंद किया जाए। प्रियंका गांधी के साथ साथ मलाला यूसुफजई ने भी हिजाब का समर्थन किया। मलाला ने अपने ट्वीट में कहा कि लड़कियों का हिजाब पहनकर स्कूलों में जाने से रोकना डराता है। उन्होंने इस मामले की निंदा करते हुए कहा कि कॉलेज हमें पढ़ाई और हिजाब के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर कर रहा है। लड़कियों को उनके हिजाब में स्कूल जाने से मना करना हैरान करने वाला है। कम या ज्यादा कपड़े पहनना महिला का अपना चुनाव होना चाहिए। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाले इस बर्ताव को रोकना चाहिए। इन दोनों को ही फिल्म मेकर अशोक पंडित ने करारा जवाब दिया। प्रियंका गांधी को जवाब देते हुए अशोक पंडित ने लिखा, मैडम, यूनिफॉर्म नाम की चीज के बारे में कुछ सुना है आपने? अगर स्कूल गए होते तो आपको पता होता कि स्कूल में सारे बच्चों को एक ड्रेस कोड का पालन करना पड़ता है। कुछ इसी तरह का जवाब मलाला को भी मिला। अशोक पंडित ने लिखा, भागी हुई बेगम जी, आपसे किसी ने राय नहीं मांगी है और इसलिए अगर चुप ही रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। दुनिया की नजरों में आप एक कट्टरपंथी हो जो हिंदुस्तान के दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। दरअसल पिछले एक महीने में कर्नाटक का हिजाब विवाद कोर्ट से कचहरी तक पहुंच गया है। हाई कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई हो रही है, लेकिन कोर्ट का फैसला आने से पहले ही प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के नेता संविधान की व्याख्या करने लगे हैं। इन लोगों ने पहले से ही हिजाब पहनने को संवैधानिक अधिकार बता दिए हैं, क्योंकि इन्हें केवल राजनीति करनी है और राजनीति के लिए अगर इनको गलत परंपरा का समर्थन करना पड़े तो उसे भी करेंगे। हिजाब विवाद के कारण कर्नाटक के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इससे सभी स्टूडेंट्स को नुकसान हो रहा है, लेकिन एक जिद के कारण सबकी पढ़ाई को नुकसान कराने का विरोध कोई नहीं कर रहा, बल्कि उसके ऊपर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। अगर स्कूल में ड्रेस कोड है तो उसका पालन करने से किसी को क्यों परहेज होना चाहिए? स्कूलों में धर्म का प्रदर्शन करने पर तो प्रतिबंध लगाना जरूरी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हिंदी टीवी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कॉमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।